बॉलीवुड सुपरस्टार यानी कि मिस्टर परफेक्ट अनिल कपूर बॉलीवुड के एक सुपरस्टार हैं और 90s में इन्होंने एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवीज इन्होंने अपने नाम किया और बॉलीवुड को एक अलग डायमेंशन इन्होंने दिए। बॉलीवुड में सुपरस्टार अनिल कपूर का एक अलग ही जलवा है और इन्होंने एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट मूवीज़ दी। अगर हम आपको बताएं कि 90s में इन्होंने सबसे बेहतरीन जो इनका कपल माना जाता था फीमेल वर्जन में माधुरी दीक्षित के साथ था और मेल वर्जन में जग्गू दादा यानी कि जैकी श्रॉफ के साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन्होंने कि फिल्म के अंदर 17 थप्पड़ खाए थे, तो हम आपको बताएंगे कि इन्हें 17 थप्पड़ किसने मारा। जी हाँ, बॉलीवुड के दूसरे सुपरस्टार यानी कि हमारे जैकी श्रॉफ जिन्हें लोग कहते हैं जग्गू दादा, जी हाँ इन्होंने ही हमारे मिस्टर परफेक्ट यानी कि आइकॉनिक एक्टर अनिल कपूर को 90s में 17 थप्पड़ जड़ दिए थे एक फिल्म के अंदर। लोग ये सुनकर तो हैरान ही हो गए थे, ऐसा कैसे 17 थप्पड़ को एक इसको मार सकता है। बहुत सारे सेलिब्रिटी भी उस समय इस बात को सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन हमारे स्टार जग्गू दादा तो अलग ही थे, इनका एक अलग ही मुकाम था। इन्होंने बॉलीवुड के एक मूवी के अंदर ने 17 थप्पड़ मार दिए। दरअसल हम आपको बताना चाहते हैं कि जो बॉलीवुड की मूवी परिंदा थी उसमें एक सीन हो रहा था जहां पर जैकी श्रॉफ यानी कि स्टार जग्गू दादा इन्हें हिट करते हैं अनिल कपूर को, और उस शॉट को परफेक्ट बनाने के लिए जग्गू दादा ने इन्हें एक नहीं दो नहीं 17 थप्पड़ जड़ दिए और अनिल कपूर ने भी कहा कि ठीक है और इन्हें 17 थप्पड़ लगातार रीटेक शूटिंग के दौरान इस सीन को परफेक्ट बनाने के लिए इन्होंने 17 थप्पड़ मारे हैं। अब लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे है, मैंने तो फिल्म देखी है, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस परिंदा मूवी की शूटिंग के दौरान ही अनिल कपूर खुद ही चाहते थे कि ये सीन आइकॉनिक बन जाए, जिसके लिए बॉलीवुड के सुपरस्टार जग्गू दादा ने इन्हें 17 थप्पड़ जड़ दिए थे। रीटेक होते रहे और अनिल कपूर ने इन्हें कहा कि आप मुझे हिट करिए और इस मूवी को मुझे बेहतरीन बनाना, और ये सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई थी। और बहुत समय बाद खुद अनिल कपूर और जग्गू दादा जब मिलते हैं इंटरव्यू में तो बताते हैं इस पूरी स्टोरी को। तो ऐसी स्टोरी सुनने के लिए लगातार हमारे साथ बॉलीवुड टी 24 बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके बताइए कैसी लगी। थैंक यू।